Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel All About Civil. Guys, today video we will see bitumen extraction test. आज की वीडियो में हम bitumen extraction test के बारे में मालूम करेंगे, जो कि STM D2172 इसका कोड है. This test was used to find out the bitumen content of the asphalt concrete. इस टेस्ट का मकसद जो है वो स्पाल्ट जो होती है, जो हमारी रोड पे कारपेटिंग होती है, उसमें कितना परसेंट बिचुमेन है उसकी परसेंटेज मालूम करना है. और इसमें जो एपरेटस यूज़ होंगे वो हमारे पास इधर है, बिचुमेन एक्सट्रैक्शन मशीन, बाउल, CTC, एक केमिकल, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि हम स्पाल्ट में डालते हैं ताकि वो बिचुमेन को उसमें से एक्सट्रैक्ट करे. इसके लिए पेट्रोल भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो CTC है. फिल्टर पेपर, बैलेंस और ओवन, ये जो है ऑपरेटर हमें इस टेस्ट के लिए चाहिए होगा. तो इस टेस्ट को किस तरीके से आगे हम परफॉर्म करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि आप जैसे हम इसके लिए कोर या स्पाल्ट का सैंपल जो है उसका टेस्ट करते हैं, या तो हमने कोर निकाली हो रोड से, उसमें चेक करेंगे बिटुमेन कंटेंट या उसकी परसेंटेज क्या है, और या अगर हम असफाल्ट का सैंपल लें तो उसमें से ये दो ही सैंपल होते हैं जो हम कलेक्ट कर सकते हैं. तो उसको हम ओवन में रख देंगे मेल्ट होने के लिए जब तक उसका टेम्परेचर 150 डिग्री तक ना पहुँच जाए. फिर ओवन से निकाल के हम सैंपल का वेट कर लेंगे, तकरीबन 1200 ग्राम समथिंग वेट होना चाहिए. और फिर हम फिल्टर पेपर जो हमने लिया था उसका जो है बिफोर वेट ऑफ फिल्टर पेपर बिफोर टेस्ट वो चेक करेंगे, वो हमारे पास तकरीबन 2.5 ग्राम आ जाएगा. फिर जो है हम सैंपल को जो है बिटुमेन एक्सट्रैक्शन मशीन के अंदर रख देंगे. मशीन में के अंदर बाउल होता है, जैसे मशीन है इसका हमने क्या पता है, इसके अंदर बाउल होता है, ये बाउल, इसके अंदर हम सैंपल को डाल देते हैं. और फिर इसके ऊपर आता है फिल्टर पेपर ताकि जो भी वो वॉश हो मटेरियल, तो फिल्टर पेपर जो है मटेरियल के ज़र्रात को ना निकलने दें, बिचुमेन उसमें से निकले. तो इसके ऊपर हम लगा देते हैं प्लेट और इसको कर देते हैं लॉक ऊपर से, हमारा लॉक हो गया. फिर हम इसका कैप लगा देते हैं मशीन का, और ऊपर से जो है CTC जो हमारा केमिकल था वो इसमें मशीन में डालते हैं, वो मशीन को स्टार्ट कर देते हैं. बाउल अंदर से स्पिन होता है और जो है बिचुमेन का लिक्विड जो होता है, लिक्विड वो बिचुमेन के साथ ड्रेन हो जाता है इस पाइप के ज़रिए. तो एक दफ़ा हम इसका सर्कल करते हैं बिचुमेन, फिर दोबारा इसमें ऊपर से मज़ीद जो है वो CTC केमिकल डालते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर दोबारा वॉश करते हैं जब तक कि यहाँ से हमें ड्रेन पाइप में से वाइट मतलब कलर वाजे ना हो जाए कि ये सही कलर में वॉश हो रहा है, फिर हम इस टेस्ट को रोक देते हैं. टेस्ट करने के बाद हम सैंपल को अच्छी तरह वॉश करेंगे और ड्राई करने के लिए सैंपल को ओवन में रख देंगे, और फिल्टर को भी ड्राई करने के लिए ओवन में रख देंगे. ड्राई करने के बाद फिल्टर पेपर का वेट लेंगे तो वो वेट ऑफ फिल्टर पेपर आफ्टर टेस्ट, तो वो वेट इंक्रीज़ हो जाएगा, 3.1 ग्राम आ गया. जैसे अब डिफरेंस इनका वेट चेक करेंगे, बिफोर टेस्ट फिल्टर पेपर का कितना वेट था, आफ्टर टेस्ट फिल्टर पेपर का कितना वेट था, तो ये हम B-C कर देंगे. B हमारे पास बिफोर टेस्ट और C आफ्टर टेस्ट, तो B में से C को माइनस करेंगे. जैसा हमारे पास आफ्टर टेस्ट आया 3.1 ग्राम माइनस, और बिफोर टेस्ट हमारे पास है 2.5 ग्राम इज इक्वल टू 0.6. हमारे पास डिफरेंस वेट ऑफ फिल्टर पेपर आया है 0.6, तो हम 0.6 इधर लिख लेंगे. फिर हम वेट ऑफ एग्रीगेट आफ्टर एक्सट्रैक्शन, जब हमारा वॉश होने के बाद एग्रीगेट को ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद जो हम वेट लेंगे वो हम इधर लिख देंगे, वो हमारा आ गया 1175 ग्राम्स. अब हमें चाहिए नेट वेट ऑफ एग्रीगेट आफ्टर एक्सट्रैक्शन. नेट वेट क्या है, जैसे हमारे पास ये वेट आया तो हमारे पास जो
थोड़ा सा ज़र्रात जो हमारे पार्टिकल फिल्टर पेपर में थे इस एग्रीगेट के, वो हैं 0.6। तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास जो है वेट आ जाएगा नेट वेट, जैसे डी प्लस ई हमने इधर लिखा, और डी को प्लस करेंगे ई से, हमारे पास है 0.6 प्लस 1175 ग्राम इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 1175.6 ग्राम। 0.6 ग्राम जो है इसका वेट इंक्रीज हो गया। अब वेट ऑफ बिचुमेन, वेट ऑफ बिचुमेन कितना हमारे पास, सिंपल है, हम जो है वेट ऑफ एस्फाल्ट को माइनस कर देंगे नेट वेट ऑफ एग्रीगेट से, तो हमारे पास वो बिचुमेन का वेट आ जाएगा। जैसे हमारे पास है 11.75.6 ग्राम नेट वेट है, इसको हमने माइनस किया टोटल वेट से, 1236 इज इक्वल टू 60.4 ग्राम। 60.4 ग्राम जो है हमारे पास आ गया बिचुमेन का वेट। अब हमें एग्रीगेट परसेंटेज और बिचुमेन परसेंटेज निकालनी है। हमने इधर फार्मूला लिखा हुआ है, एफ डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई 100। एफ हमारे पास है नेट वेट ऑफ एग्रीगेट, इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल वेट से, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जैसे हमारे पास है 11.75.6 डिवाइडेड बाय 1236 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 95.1। 95.1% जो है वो हमारे पास एग्रीगेट था, 95.1% एग्रीगेट था। तो कितना परसेंट बिचुमेन हुआ, उसका फार्मूला ये लिखा हुआ है, जी डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि वेट ऑफ बिचुमेन को डिवाइड करेंगे टोटल वेट से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ये हम सिंपल इस बिच एग्रीगेट परसेंटेज को हम सिंपल 100 से माइनस भी कर देंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा, लेकिन हम आपको पूरा फार्मूला बताते हैं। 60.4 डिवाइडेड बाय 1236 ये टोटल वेट है, मल्टीप्लाई बाय 100, 4.88, इसको हम 4.9 कर लेंगे, तो हमारे पास आ गया बिचुमेन परसेंटेज। सो गाइस, ये प्रोसीजर है और इसकी कैलकुलेशन जो है वो बिचुमेन एक्सट्रैक्शन टेस्ट की जो है वो इस तरीके से करते हैं। आई होप के आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।